स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.2। तो न्यू सिलेबस 2021 में जितना एग्जाम में जितना पढ़ना है वही सब अभी करा रहे हैं, ठीक है। तो 8.1 तक कंप्लीट हो गया है। पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो और इसका मॉडल पेपर भी आ गया है क्लास 10 का, तो उसका अभी एक वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे, किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो पूरा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 8.2 में जिस तरह का क्वेश्चन को पढ़ना है उसके लिए कुछ कुछ वैल्यू याद करना होगा, कुछ कुछ मान याद रखना होगा, तो उसको पहले देख लेते, ठीक है। जैसे इसमें क्या त्रिकोण में थी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में वही सब अनुपात पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ मान होता है जिसको याद करना पड़ेगा, उसको याद रहेगा तभी हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को 8.2 को बना सकते हैं। तो याद करने का सिंपल तरीका से एकदम बता दे रहे हैं, बस एक को याद रखना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करना है, देखिए सबसे पहले साइन का लिखेंगे, साइन उसके बाद कोस, साइन कोस उसके बाद टेन उसके बाद कोसेक, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ठीक है। देखिए सिंपल तरीका बता दे रहे हैं याद करने का, बस एक को याद रखिए बाकी बात हो जाएगा। कैसे याद रखना है कि साइन जो है इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट, है ना। तो ये सब सिर्फ याद रखना है, इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, टेन का होता है कोट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हर फॉर्मूला में बस तीन फॉर्मूला देखेंगे, तीन उसका उल्टा रहेगा। जैसे 8.1 में भी देखे थे साइन कोस टेन का फॉर्मूला देखे थे, बाकी उसका उल्टा, तो कौन किसका उल्टा होता है उतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वैल्यू नहीं जब कैसे निकलेगा, जैसे 0 डिग्री का कुछ वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90, फिलहाल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे 11-12 में आगे पढ़ना है, 180 डिग्री का कितना होगा, इस तरह से 360 का कितना, वो सब आगे पढ़ना है, फिलहाल इतना का पढ़ना है, ठीक है। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, जैसे कहीं पे लिखा हो रहेगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री तो उसका मतलब कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा उसको याद करना है। साइन 45 रहे तो उसका मतलब वैल्यू कितना होगा, है ना। साइन 30 डिग्री रहे तो उसका कितना होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो देखिए एक को याद कर लेना पड़ेगा, साइन को याद कर लीजिए, साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और इसका 1, इतना सा तो याद रहेगा, बस एक ही याद करना है, बस इसी को भर याद रखना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 0 डिग्री लिखा हुआ रहेगा कहीं पे, साइन 0 डिग्री ऐसा, तो इसका मतलब होगा 1, अच्छा साइन 0 मतलब 0, 1 बोलते, साइन 0 का वैल्यू 1, 0 है ना। तो ये साइन 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 इतना है ना, इस तरह से एक ठो याद रखिएगा अच्छे से, बाकी इसी से समझ में आ जाएगा। देखिए साइन का 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब जब कोस का निकालना रहे तो इसी को उल्टा इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये कोस का हो जाएगा 1, फिर √3/2, है ना, इधर से एक हुआ, दो हुआ, फिर तीसरा, ये तो सेम रहेगा यहाँ, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, ये 0, यहाँ हो गया, एक याद रहेगा, दूसरा को उसका उल्टा तरफ से उधर से लिखना स्टार्ट कीजिए इधर, है ना। यानी कि साइन 0 का 0 होता है और कोस 90 का 0 होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। ये इधर से जैसे लिखे उसको इधर से लिखते चलिए, तिवनिया कोस का, कोस 0 का 1, कोस 30 का √3/2, कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2 और 90 का 0, ठीक है।
अब देखिए टेन टेन का एक फॉर्मूला बताए थे या नहीं बताए होंगे तो याद रखिएगा। टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। साइन बाय कोस होता है टेन का फॉर्मूला, यानी साइन और कोस को बटा डिवाइड कर देंगे साइन वाला को कोस से तो टेन निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते चलेंगे, यानी हम समझिए डिवाइड का साइन लगा दीजिए, जीरो को वन से डिवाइड कीजिए, यानी वन डिवाइड जीरो तो वन जीरो जीरो है, मतलब कितना है जीरो, तो इसका वैल्यू हो गया जीरो, ठीक। फिर इसको अगर डिवाइड करेंगे क्या होगा, टू और टू कट जाएगा तो बचेगा क्या, वन बाय रूट। देखिए डिवाइड करते, देखिए इसको इससे डिवाइड करना है, यानी वन बाय टू डिवाइड रूट थ्री बाय टू, तो डिवाइड नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा देते हैं ऐसा, नहीं टू टू कट गया तो वन बाय रूट थ्री, क्या हो गया वन बाय रूट थ्री। तो टेन थर्टी का हो गया वन बाय रूट थ्री, टेन पैंतालीस फोर्टी फाइव का तो इसको डिवाइड कर, देखिए दोनों तो सेम सेम है तो सेम सेम को डिवाइड करते हैं तो वन, ठीक। अब इसमें सिक्सटीन देखिए, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो टू और टू कट जाएगा तो रूट थ्री बाई वन बचेगा, तो बाई वन को लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ रूट थ्री लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसको ऐसा डिवाइड करेंगे यानी वन बाई जीरो, मतलब क्या हुआ जीरो इधर यहाँ वन, जीरो का पहाड़ा पढ़िए कई बार कि एक है, तो जीरो का पहाड़ा एको लाख बार पढ़ेंगे तो एक तो नहीं ना आएगा, है जीरो पाँचे करेंगे तो कितना होगा जीरो होगा, फिर एक बचिए जाएगा, जीरो नौवे करेंगे जीरो होगा फिर एक बच जाएगा, मतलब जीरो का पहाड़ा पढ़ के जीरो को किसी से गुना करके एक नहीं ला सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब ये इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। अपरिभाषित इसका कोई, इसको ऐसा समझ सिंपल से देखती है, मतलब इसे कुछ हो नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ, ठीक अपरिभाषित है। आई वॉज यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए कोसेक, कोसेक बताए थे किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन को उलटते चलना है, हैं उलटते जाना है डिवाइड, है ना, वही क्रम करते जाएंगे। तो देखिए जीरो नीचे कुछ नहीं समझिए एक है, तो एक बटा जीरो यहाँ हो जाएगा एक बटा जीरो, और एक बटा जीरो का मतलब यही ना होगा, एक बटा जीरो मतलब अभी देखे कुछ आवे नहीं करता है, डिवाइड ही नहीं होगा वो। अपरिभाषित यानी यहाँ क्या लिख देंगे, अपरिभाषित ये, ठीक। फिर ये साइन का उल्टा होता है, साइन वन बाई टू, तो यहाँ इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा टू, ठीक। फिर साइन का उल्टा देखिए वन बाय रूट टू होता है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट टू, रूट टू बाय वन, तो नीचे वन को डिवाइड वन को लिखना जरूरी नहीं, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, इसको पलट देंगे तो एक को उल्टा करके पलटा करें एक ही रहे, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सेक में आइए, सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस को उलटते जाएंगे एक का उल्टा एक है, इसको उलट देंगे तो दो बटा रूट तीन, इसको रूट टू, इसको उलट दीजिए टू, जीरो को उलट देंगे यानी जीरो बाई वन है, इसको कर देंगे वन बाई जीरो, तो वन बाई जीरो मतलब ये वाला देखिए डिवाइड ही नहीं होता है ना, पलटना में तो समझा ना, डिवाइड हर को अंश, अंश को हर कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो जीरो है मतलब जीरो के नीचे कुछ हो नहीं, एक है इसको पलट देंगे तो एक बटा जीरो, और एक बटा जीरो को देखिए भाग देखे देखे थे कुछ होने आता है, भाग जाएगा ही नहीं, तो ये कहा जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित है ना, अपरिभाषित है कुछ नहीं आएगा उसमें। अब कोट में आते हैं, तो कोट होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कोट, टेन को उलटिए जीरो, फिर से वही आ गया जीरो को उल्टेंगे तो ऐसा हो जाएगा एक बटा जीरो, मतलब कुछ होने आएगा, ठीक। फिर इसको उल्टेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो एक को पलटे एक ही आएगा, रूट थ्री में हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, और इन्फिनिटी को पलटेंगे यानी इन्फिनिटी किस में आया था इसमें, और इसको फिर पलट दीजिए तो जीरो बाई वन यानी जीरो आ गया, है ना, तो ये हो जाएगा जीरो। आई वॉज समझ में, कैसे याद रखना है, एक वो तो याद कर लेना है, रट लेना है साइन का, और साइन से आप ये टेबल को आराम से बना सकते हैं और दिमाग में भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दो तीन बार इसको बना के लिख करके बना करके कीजिए, अपने दिमाग में याद भी हो जाएगा ना, ऐसे देखने से याद नहीं होगा, एक ही बार देखिएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, है ना, इसलिए साइन को सिर्फ याद कीजिए और उससे फिर बनाने की कोशिश कीजिए सबका, सबको एक दो बार बना के देखिए आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या किए, देखिए साइन का तो याद कर लेना है, साइन का जीरो का इतना है, तीस का इतना, पैंतालीस का इतना, ये याद रखना है,
ठीक, और साइन लिखे और साइन का उल्टा तरफ से उधर से लिखते चलना है, कोस का बन जाएगा ये, ठीक है। उधर से लिखते आएंगे जैसे वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट थ्री, फिर वन बाई टू इधर, जीरो इधर, तीन हो गया कोस का, ठीक है। उसके बाद टेन निकालने के लिए इसको डिवाइड करते जाना है, जीरो बाई वन, जीरो बाई वन करेंगे जीरो होगा, इतना बटा इतना मतलब टू टू कट जाएगा तो वन बाय रूट थ्री बचेगा, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा वन बचेगा, इसको इसको डिवाइड करें तो टू टू कटेगा रूट थ्री बचेगा, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी कुछ होने आ सकता है, यानी इन्फिनिटी ये अपरिभाषित है, ठीक। यहाँ तक है। अब ये कोसेक याद रखना है कि ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन को पलटते जाना है, ठीक है। हम हार को अंश, अंश को हार बनाते चलना, उल्टा देना है। जैसे यहाँ जीरो, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसको पलटेंगे तो एक बटा जीरो, और एक बटा जीरो मतलब डिवाइड करके देखे थे कुछ हो रहा है ना, डिवाइड हो ही नहीं सकता है तो अपरिभाषित हो गया। फिर साइन वन बाई टू को उल्टे तो टू हो गया, वन बाई रूट टू को उल्टे तो रूट टू, इसको उल्टेंगे तो दो बटा रूट तीन, और एक को उल्टे तो एक, ठीक, ये हो गया। अब सेक, सेक किसका, कोस का, कोस का उल्टा से, तो कोस का उलट उलटते जाना, इसको वन का उल्टा वन, थ्री रूट थ्री बाई टू का टू बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू का टू रूट टू, इसको पलटे तो टू, जीरो को पलटे तो वही अपरिभाषित हो गया। यहाँ तक कोट, ये है टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा है तो टेन जीरो का उल्टा इन्फिनिटी अपरिभाषित, वन बाई रूट थ्री का रूट थ्री, वन को उल्टेंगे वन, रूट थ्री को वन बाई रूट थ्री, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, ठीक है। तो ये हो गया टेबल। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से आप टेबल अपने से बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और इसको एक दो बार दो तीन जो जितना ज़्यादा हो सके लिख लिख करके टेबल बना बना करके आप दिमाग में इसको फिट करने की कोशिश करें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन में, ठीक, ये क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए, मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। ये इसमें पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसका हमको मान निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। तो अभी जो टेबल बनाए हैं बस वही याद रखना चाहिए, है ना, और इसका वैल्यू बैठाते चलेंगे। साइन 60, साइन 60 याद कीजिए कितना हुआ था, साइन 60 किधर था, उधर है ना, 45 के बाद 60 तब 90, तो साइन 60 टेबल को दिमाग में छाप लीजिएगा, याद रहेगा, इधर किनारे तरफ था, सबसे लास्ट में था 1, उससे पहले था रूट 3 बाई 2, है ना, तो साइन के 30 में होता है रूट 3 बाई 2, और रूट 3 बाई 2 साइन 60 जो है उसका उल्टा होता था इधर आगे कोस का, उधर से सेकेंड लास्ट 60 के बाद क्या आता है, 60 के बाद 90 था, तो सेकेंड लास्ट इधर, और इधर जीरो से के बाद होता है 30, जीरो के बाद 30, तो इधर से सेकेंड लास्ट, यानी साइन जो यहाँ था वो यहाँ का हो जाएगा, कोस हो जाएगा, यानी कि कोस 30 का हो जाएगा रूट 3 बाई 2, सेम होगा, है ना, क्योंकि उधर से लिखते आ रहे थे ना, तो जीरो में 90 वाला आएगा, 60 वाला इसमें जाएगा, 45 वाला 45 में रहेगा, 30 वाला 60 में चल जाएगा, जीरो वाला उसमें, साइन कोस में यही संबंध है ना, इधर से एक, एक उधर से, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग छाप लीजिएगा वो टेबल को तो याद रहेगा, है ना। तो ये वैल्यू रखना है, दोनों के बीच क्या साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, कुछ नहीं तो, ठीक है। प्लस, यहाँ तो प्लस लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 देखिए जीरो के बाद 30, जीरो का कितना होता था जीरो, 30 का 1/2, तो 1/2, और यही 30 साइन 30 और कोस 30 बराबर होता है, कितना हो जाएगा 1/2 ये भी, ठीक है। टेबल को थोड़ा सा देख देख के लिख लिख के याद रखिएगा, याद हो जाएगा तब समझ में आएगा, कुछ करना नहीं, बस उसका वैल्यू को रख देना है इसे, और मल्टीप्लाई करना है, जोड़ है तो जोड़ना है, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, रूट थ्री, रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, नीचे नीचे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस एक एक गुना करे तो 1 हो गया, 2 × 2 = 4। अब जोड़ने आता है भिन्न जोड़, भिन्न में है ना, भिन्न जोड़, तो भिन्न जोड़ क्या होता है, हर को लिख देते हैं बराबर रहने से, और ऊपर जैसा वैसे जोड़ देते हैं, अगर हर बराबर है तो बराबर इसे लिख दे, ऊपर जोड़ दिए 3 × 4 = 4, काटेंगे तो 4 कैंसिल, 1 हो गया आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए सिर्फ वैल्यू टेबल, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 tan² 45 + cos² 30 -
साइन स्क्वायर 60। देखिए ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 तो लिख देंगे, 2 का वैल्यू समझ में आ रहा है, 2 मतलब 2 होता है, 2 मतलब 2 ही ना होगा तो उसको तो लिख देंगे। हाँ लेकिन यहाँ देखिए 10 45 स्क्वायर, अब हमने देखिए 45, देखिए 10 कितना है 45, तो 10 45 का वैल्यू कुछ लिखना होगा, कितना होता है 10 45 का 1, तो लिखेंगे 1, और चूंकि स्क्वायर है इसमें इसलिए 1 में स्क्वायर। ठीक आगे बढ़े तो कोस स्क्वायर 30 है, कोस 30, कोस 30 कितना होगा, तो जितना होता है साइन 60 उतना कोस 30 होगा, तो साइन 60 √3/2 यानी कोस 30 भी होगा √3/2, स्क्वायर है तो लगा लेंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 ऐसे यहाँ भी था √3/2, साइन 60 और कोस 30 इक्वल होता है √3/2, हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना, देखिए 2 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ऐसे ये देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में थे तो खत्म हो गया, बच गया 2 1 2 आंसर। ठीक सिंपल है, क्या करना पड़ेगा बस वैल्यू याद रहना चाहिए। ठीक है वैल्यू याद है तो आराम से बन जाएगा। देखिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर, कोस 45 डिग्री है, डिवाइड है सेक 30 प्लस कोसेक 30, ये क्वेश्चन है। देखिए कोस 45 का कितना होता है, तो कोस 45 और साइन 45 एक ही होता है सेम कितना 1/√2, तो 1/√2 लगा देंगे, डिवाइड सेक 30, अब सेक का अलग से याद न करिए, सेक किसका उल्टा होता है उसको देखिए, सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा सेक, तो कोस 30 समझ, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है, तो कोस 30 बहुत बड़ा है, देखिए कोस 30 √3/2, तो इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 को भी याद नहीं करना है, कोसेक किसका उल्टा साइन का, तो साइन 30 याद कीजिए, साइन 30 तो याद रहबे करेगा, साइन 30 कितना 1/2, 0 को बाद 30 होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा मतलब 2 हो जाएगा है, कुछ नहीं यहाँ तो 1 लगा दीजिए, कहे कि सब डिवाइड में है तो उसको कहे छोड़ दे वो भी भिन्न में आ गया। अब देखिए पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1/√2 है तो ये तो रह जाएगा, नीचे थोड़ा सा काम हो जाएगा, ये जोड़ में है तो जोड़ लेंगे, हर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, प्लस 2 और √3 मल्टीप्लाई हुआ 2√3, नीचे होगा √3 1/√3। ठीक आगे इधर देखते हैं, 1/√2 मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये 1 2 3 4 ताला आ गया, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये दोनों को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, ये हो जाता है तो ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई में, सबसे निचल का वाला ऊपर लिखाएगा, डिवाइड ये नीचे 2 + 2√3। ठीक अभी थोड़ा लंबा बन जाएगा तो इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है √3 1/√3 मल्टीप्लाई हुआ था, डिवाइड ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे √2, तो 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 इससे फिर मल्टीप्लाई हुआ तो +2√√ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √√2 3/6। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे रूट नहीं रहता तो आंसर लिख देते, लेकिन हर में कभी भी रूट रहे तो उस रूट को स्क्वायर रूट को हटा के तब ही आंसर लिखना है, हर में स्क्वायर रूट को आंसर नहीं लिख सकते, उसको परिमयकरण करके हटाना पड़ता है। ठीक है तो रूट में आ गया तो इसको परिमयकरण करना होगा, अगर परिमयकरण करना बताए थे 9 क्लास तब में पढ़ना था 8 9 में, परिमयकरण मतलब होता है कि रूट से जितना नीचे है उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है तो रूट हट जाएगा, परिमयकरण मतलब रूट को हटाना, तो कैसे हटेगा तो इसी को ऊपर से नीचे से गुना कर देंगे, जैसे √3/2√2 + 2√6 है, या इसको ऐसा कर लेंगे एक बार कॉमन निकाल लीजिए, चाहे कोई फायदा नहीं छोड़िए, कॉमन में ध्यान मत रखिए भाई, है ना, खाली रूट हटाना है, तो रूट हटाना है तो इसी से मल्टीप्लाई कर देना है 2√2 - 2√6
टू रूट टू माइनस टू रूट से, ठीक है। इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, खाली साइन बदल देते हैं, नीचे प्लस है इसलिए माइनस से, माइनस रहता तो प्लस से। ये परिमेयकरण कर रहे हैं, इसमें ध्यान नहीं लगाना है, बस इसको सोल्व कर रहे हैं। ये परिमेयकरण सातवां आठवां नवां क्लास हर क्लास में आता है, मेन था नाइन्थ क्लास में इसको पढ़ना, ठीक है। तो परिमेयकरण दिमाग नहीं करना है, बस परिमेयकरण मतलब होता है रूट में जो नीचे जो हर में जो रूट आ जाता है उस रूट को हटाना। तो उस रूट को हटाने के लिए जितना हर में रहेगा उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ साइन चेंज करके, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस लगा के। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये रूट तीन दोनों से वन मल्टीप्लाई तो करिए, दो रूट से बाहर वाला तो बाहर रहेगा, रूट अंदर वाला गुना हुआ, रूट तीन दूनी छः, फिर ये माइनस है तो माइनस, दो तो बाहर रहेगा, अरे तीन छः अठारह, ये हो गया डिवाइड। देखिए इसमें देखिए दो गो है, तो इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है, a प्लस बी गुना ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी टू रूट टू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है टू रूट सिक्स का स्क्वायर। देखिए ये यहाँ पे देखिए दो कॉमन निकाल सकते थे, निकाल देते हैं और छः को रहने दीजिए, माइनस इसका रूट तोड़ सकते हैं अठारह का, थोड़ा सा टूटेगा, तीन दिया नौ दुनिया अठारह, तीन रहेगा बाहर दो रहेगा वो अंदर, ठीक रूट में। अरे यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, दो का स्क्वायर चार और रूट दो का स्क्वायर दो, तो चार दूनी आठ, माइनस दो का स्क्वायर चार और रूट छः का स्क्वायर छः ही रहेगा, तो चार छः चौबीस, ठीक। बहुत लंबा हो जा रहा है, बस परिमेयकरण करने में लंबा हो जा रहा है, ठीक है, अदरवाइज सिंपल है, परिमेयकरण हो रहा है। ये घटाइए इसको, कितना हो जाएगा सोलह, हाँ सोलह, तो टू रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू, ये ऐसा है माइनस सोलह, बड़ा माइनस है माइनस सोलह, ये कट गया दो अठे सोलह, माइनस को अंदर कर देंगे तो थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स बाय एट, ये हो जाएगा आंसर, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेयकरण करने में थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये इस चैप्टर का भाग नहीं है, ये परिमेयकरण अलग चैप्टर है, वो नाइन्थ क्लास में पढ़ना है, तो वही मेन होता है मैथमेटिकल कि कुछ यूज हो जाता है तो उसमें कन्फ्यूज हो जाता है, वो सब बेसिक मजबूत नहीं रहता है। यहाँ पे त्रिकोणमिति का काम यहीं तक था, बस वैल्यू रख दिए, यहाँ तक त्रिकोणमिति का काम हुआ समझिए, मैंने वैल्यू रख दिए बस वही है त्रिकोणमिति से। अब यहाँ पे गुना उना करना है, गुना नहीं करने जाने का दिक्कत है, गुना के बाद ये परिमेयकरण करना है, ये त्रिकोणमिति का भाग रहे, ये परिमेयकरण जो नाइन्थ क्लास में था 2.34 में वो परिमेयकरण की है। परिमेयकरण मतलब याद रखिएगा, नीचे जब भी रूट पे रहे तो उसको हटाना पड़ता है, तो उसके लिए ऊपर नीचे वही उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज करके, और बस मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई करने आता होगा, और यहाँ पे घाटा है तो घाटा है, फिर इधर काट कट रहा था काट दिए, माइनस में था इसलिए माइनस को अंदर कर दिए, थी माइनस वाला प्लस हो गया, अरे वाला माइनस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिएगा परिमेयकरण थोड़ा सा अच्छा से है ना, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। इसमें देखिए इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है इस बार, ठीक है, तो जो इस बार 2021 में पढ़ना वही सब कर रहे हैं, बाकी जो छूटेगा उसको एग्ज़ाम बाद करा देंगे अगर पढ़ना चाहेंगे तो, लेकिन फिलहाल जो 21 में पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं, मार्च से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, ठीक है, एक वीडियो बना देंगे उसका, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसका भी, मॉडल पेपर भी आ गया है और एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन भी इतना ही पढ़ना था और सेकेंड क्वेश्चन फिर पूरा पढ़ना है, तो उसमें अगर पूरा इसी में बताना चाहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और कुछ बताएंगे और फिर कुछ अगला में, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पहला क्वेश्चन ही देखिए इसको यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन का पूरा पूरी एक अलग वीडियो बना देंगे, उसको सेकेंड क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।